हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने सरकार से किसानों द्वारा खेत बोने के लिए किराए पर लिए जाने वाले ट्रैक्टर और गेहूं की फसल की गुहाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थ्रेशिंग मशीन के प्रति घंटा रेट निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या बारे मुख्यमंत्री जयराम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर लगभग एक महीना पहले पत्र लिख चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर किसान बागवानों की समस्याओं को उजागर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लगभग एक माह पहले प्रदेश सरकार से आग्रह कर चुकी है कि किसानों की समस्याओं को लेकर जो है वो सरकार जो है वो निर्णय ले। इस संबंध में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख चुके हैं और व्यक्तिगत रूप में भी मिलकर उन्होंने जो है किसानों की विभिन्न समस्याओं को जो है वो उठाया है। आज स्थिति ये है कि किसान जो हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में हैं। हमने मांग की थी कि किसानों के जो ट्रैक्टर किराए पर किसान लेते हैं उनके जो है प्रति घंटा रेट जो है वो निर्धारित किए जाएँ, यही नहीं साथ में जो है वो थ्रेशिंग के रेट भी जो है वो निर्धारित किए जाएं प्रति घंटा के, और तूड़ी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जाए और तूड़ी के भी जो मनमाने रेट लिए जाते हैं उनके बारे में भी जो है वो रेट निर्धारित किए जाएं और उनकी जो मापतोल का तरीका है वो भी जो है वो तय किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम सरकार से मांग करते हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं कि वर्तमान में के ट्रैक्टर के प्रति घंटा के रेट और थ्रेशिंग के रेट ये तुरंत जो है निर्धारित करने की कोशिश जो है वो सरकार करे। इस बारे में सरकार ने अभी तक जो है वो उदासीन सा दिखाई है। हम चाहते हैं सरकार इस बारे में जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है कदम उठाए।